हाय गाइस गाइस विस्की फेस मास्क ट्राई करने के बाद ना हमें इतने बढ़िया रिजल्ट मिले कि हमने सोचा वाइन फेशियल भी ट्राई करते हैं। यहाँ के छोटी हुई है क्या? बस तेरे दादी के सत्संग में चुरा लिया है तुमने जो दिल को बचता था। वो ये फेस पैक तो नहीं बन पाएगा, बदबू सी आ रही है। अच्छा लग रहा, थोड़ी बेबी स्किन हो गई है। इससे बढ़िया तो वो है, पैकेट लाओ, कांटा घोलो, लगा लो। मुझे दारू की वजह से फ्रेश तो नहीं लग रहा। वाइन फेशियल, वाइन मुंह पे लगाएंगे आज हम। वी बीन टोल्ड लाइक ईच स्टेप टेक्स अराउंड 10 मिनट्स। उन 10 मिनट क्या किया जाए, तुमने बोला इससे बेटर क्या हो सकता है, वाइन पीते हैं। तो 5-6 स्टेप्स में 5-6 ग्लासेस वाइन चलती है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्लेंजिंग। इसके लिए हमें पता क्या करना है, 2 चम्मच नींबू का जूस और 2 चम्मच वाइन। ये टीस्पून टेबलस्पून लग नहीं रहा, बट थोड़ा अंदाजा ले लेंगे। मैं तो बिना स्पून के डालूंगा, स्वाद अनुसार और औकात अनुसार। ओके, एक चम्मच अंदर गिर चुका है, कुछ नहीं आता लड़के को। आज हमने प्रोडक्शन को बोला बहुत बजट है, तो कॉटन वो पूरे परिवार के लगाए। अब शीशा तो उन्होंने दिया नहीं, तू मेरा करेगा? ये ज्यादा हो जाएगा। दिस इज लाइक द हाइट। आई कैन डू दिस। ओह माय गॉड, ये जो तूने सटली अपना फोन दिखाया ना, फोन ऐसे छुपा के होता है, ये क्या होता है लोगों को दिखाते हो? हैं ऐसे करके करूं? अभी तू मिरर लेके तो नहीं खड़ा होता ऐसे? अब देखो लिया तो दिखाना पड़ेगा। पॉइंट, इसको 10 मिनट ड्राई होने देना, ठीक है? 10 मिनट तक हम मेरी फेवरेट चीज करेंगे, पियेंगे। Mr. Saluja, how are you? All good, Rawat ji, all good. Have a great day. Cheers, mate. भाई देखो, पता है एक बॉटल वाइन के अंदर कितने ग्रेप्स लग जाते हैं उसे बनाने के लिए? इसे चढ़ गई है। 736 ग्रेप्स लगते हैं एक बोतल वाइन बनाने के लिए। 735 भी नहीं, 736। तो गट, डू यू फॉलो अ स्किन केयर रूटीन जो हम आज ये कर रहे हैं? ये मेहनत तू ऐसा रोज कर पाता क्या? करवाता है क्या होता है? कर पाता है बोला है। अच्छा, कान में वाइन डाल के जबरदस्ती करना पड़ता है लोगों के बोलने पे। लोगों से तू समझ जा। इतना बदसूरत क्यों है फिर तू? कि वो रोज बोलती है खूबसूरत हो तू। अब इसको एक गीले टाल से वाइप ऑफ करते हैं। अभी से इतना अच्छा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा। मैं 2-3 वाइन ग्लासेस के बाद बताऊंगा। वो वाइन कर रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुझे फेस क्यों ऐसे लग रहा था? नहीं, ये वाइन कर रही है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है बड़ा सिंपल, स्क्रबिंग। ये जो तुम्हें ब्राउन शुगर लग रहा है, ये ब्राउन शुगर नहीं, ये ब्राउन राइस है। 1.5 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून है नहीं, मगर चलो अंदाजे से हम डाल लेते हैं। टेबल पे स्पून रखा है, टेबल स्पून। टेबल कचौरी। ओके, थोड़ा राइस, ये राइस बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, मेरा परफेक्ट है। अबे भाई, इतना बड़ा बोल, इतना छोटा चम्मच, जो हाथ में नहीं आ रहा। हाथ से लगाना है तो कैसे लगाएं? और सब कुछ दिख रहा है तेरे को? और चीजें यहाँ पे, ये तो प्रॉपर लेप वाली फील दे रहा है, सब मुल्तानी मिट्टी रगड़ रहा है यार। ये तो बहुत डिस्गस्टिंग सा लग रहा है। तेरे से कम है, लगा ले चुपचाप। बहुत भाषण है यार, ये खुद करना थोड़ा मेहनत है। अर्बन कंपनी वाले को बुलाओ, मस्त करवाओ, चिल जिंदगी। काफी सही करते हैं वो। चिप-चिप करके पीनी थी ना ये? तुम्हारे अंदर का वो पंजाबी जाता ही नहीं है। तो अब हम 5-7 मिनट ढुकेंगे। टाइम फॉर अ वाइन फैक्ट। स्पार्कलिंग वाइन, जिसको तुम यूजुअली शैंपेन के नाम से जानते होगे, इट हैज अराउंड 49 मिलियन बबल्स विद इन द बॉटल। अब आई डोंट नो कौन इतना वेला था, कौन इतने नशे में, गिने किसने थे ये, बट थे तो थे। अब हो गए हैं 10 मिनट और मैं इससे ज्यादा झेल नहीं सकता इसे। अब हमारा मुंह करारा हो चुका है, तो हमें ये हटा देना चाहिए। सो तुझे बहुत अच्छे फैमिली फंक्शन पे जाना है, शाम तक तू लेट हो चुका है, क्योंकि यही खत्म नहीं हो पा रहा। सो गाइस, स्टेप 3 की बारी आई, जो कि है स्टीमिंग। इसमें हमें करना है थोड़े से गर्म पानी में टाल डिप करना और अपने मुंह पे फिर लगा देना उसको 5-10 मिनट के लिए। इससे जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज, ब्लैकहेड्स वगैरह हैं, वो लूज हो जाएंगे और फिर वो अगले स्टेप में बाहर निकल जाएंगे। टाइम फॉर वन मोर वाइन फैक्ट। आपको पता है 7 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस और 20 ग्लासेस ऑफ एप्पल जूस में इतने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जितने कि एक पूरी बोतल वाइन में होते हैं। डॉक्टर को अब ये बताना ही नहीं चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम है, वाइन पियो। मेरा टाल ठंडा हो गया ब्रो। अबे तो वो गर्म थोड़े रहेगा पूरे टाइम। अबे बीच में थोड़ी थोड़ी देर में वाइन पी सकता है तू, जब पीना बता दियो। मैं तेरा साथ दूंगा। बोला तो साथ दूंगा, चोरी देख लिया।
पोर्स खुल गया तेरे? मेरे को फील हो रहा है मेरे पोर्स खुल रहे हैं। बस सब खुल गया। पहले जो वो हार्ड हार्ड लग रही थी ना स्किन, अब थोड़ी सी लूज हुई है और अच्छा लग रहा है। थोड़ी बेबी स्किन हो गई है। बेबी स्किन? ओह माय गॉड, इसका बाबा स्किन हो गई है। बेबी स्किन बुगली बुगली बुक्स कर। एक बार देख लो नीरज, मेरे को कभी नहीं लगा इसके गाल भी चमक सकते हैं, बट स्टिल मिरेकल्स कैन हैपन। आई डोंट नो क्या बोल रहा है, मेरा तौलिया तो ठंडा था ब्रो। वाइन ज्यादा हो गई है नीरज के लिए, अभी कम कर उसे थोड़ा। टाइम फॉर स्टेप फोर। स्टेप फोर बहुत सिंपल सा स्टेप है, फेशियल मसाज। इसके लिए हम लगाएंगे एलोवेरा जेल। अरे ये एलोवेरा जेल प्रोडक्शन का है, जेब में कहां से डाल रखी है तूने? इसमें मिलाया जाएगा टी ट्री ऑयल। सूंघ के पहचान लेगा तो टी ट्री ऑयल? भाई मुझे पता भी नहीं है, पहली बार सूंघ रहा हूं कि ये होता भी है। तो इसके अंदर एक चम्मच एलोवेरा जेल, उसके बाद थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल और एक चम्मच रेड वाइन। तेरा चमचा हो गया, क्रेजी लग रहा है, ये तो काफी इफेक्टिव होगा। नीरज हर चीज ज्यादा ज्यादा डाल रहा है, इसको लग रहा है ज्यादा इफेक्ट आएंगे। वाइन कम डालिए मैंने, तो ज्यादा डालना फिर डिसाइड कर ले कम डालनी की ज्यादा डालनी। मसाज करो, कितनी देर करनी है? 5 से 10 मिनट, हर स्टेप 5 से 10 मिनट है, तो टोटल 1-1.5 घंटा बर्बाद। चलो देखो अब ये स्टेप के बाद क्या होता है। मेरी पीठ दर्द हो रही है उससे बैठे बैठे। आई थिंक जेंटल मसाज करनी चाहिए, तो रगड़ रहा हूँ मैं। तुझे जिंदगी ने रगड़ा तो तू रगड़े ही जा रहा है। सबसे बदला लूंगा, खुद से लूंगा। तुझे अपनी शक्ल पहचान में नहीं आती कहाँ कहाँ पे है? उसके लिए भी तुझे कैमरा चाहिए। Time for one more wine fact. As it ages, white wine gets darker and red wine get lighter. तो एज होने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे। अब can we like wipe it off? अब हो गया ना? हाँ मेरे को लग रहा है। बात करेगा, cheers. तो भाई ये स्टेप के बाद कैसा फील हो रहा है? I don't give a fuck के कैसा लग रहा है, स्किन को कैसा कुछ लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूं वो कर करके। पिछले वाले में ना थोड़ी ड्राई ड्राई थी और साफ थी, अब हाइड्रेटेड है थोड़ी सी। तो अब स्टेप फोर भी हो चुका है, तो ये ले जाओ और नई वाइन की बॉटल ले आओ यार, ये खत्म हो गई है। रुक जाओ, पकड़े रख, घुमा, मैं नहीं खींच रहा, तू खींच, अब यह गिरेगी। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फेस मास्क यूज करना है। फेस मास्क के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी योगर्ट, हनी। चल जल्दी इसकी क्वांटिटी बता। वो 2 डाल दे, ये 1 डाल दे। क्या करवा रहा, दही मुंह पे लगाता है। मैं तब तक काम के का चीज करता हूँ, तू पहले ये सब, बाद में वो वाइन खत्म कर, मैं तेरी वाइन नहीं डाल पा रहा। आसपास वाले बोल रहे हैं हमारे लिए भी कुछ बचा दो। अभी अभी हमें आवाज आई है, बट ऐसी बात हम नहीं सुनते। वो ज्यादा डल गई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। वो मेरे को ना दादी ले जाती थी सत्संग में, वो ढोलक पे चम्मच नहीं मारते जब। तेरे दादी के सत्संग में चुरा लिया है तुमने जो दिल को बचता था। वो उसकी पैरोडी बना देते हैं भगवान वो वाले उस भजन में। ओ छी। एडिबल फेशियल्स। आई थिंक बहुत डिस्गस्टिंग होगा कि तुम मुंह पे लगाते लगाते उसकी उंगलियां चाट रहे हो। भाई बदबू सी आ रही है इससे तो। ये फेस पैक तो नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं बन जाएगा। नहीं बन पाएगा। बन तो गया, मेरा तो हो गया। I think इतना enough है। कितनी देर वेट करना है इसके साथ? जब तक सूख ना जाए। Another wine fact. The amount of calories in this glass of wine is equivalent to the amount of calories in a glass of grape juice. क्या आपको पता grape juice के एक ग्लास में कितनी कैलोरीज होती है? अगर वो ही नहीं पता तो ये फैक्ट आपके लिए बेकार था। जान के क्या करोगे? दोनों ग्लास में बराबर होती है, इतना जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक सूख गया। मतलब इसके सूखने का पता नहीं, हम सेट होने लग गए हैं। तो आई थिंक वी शुड वाइप दिस ऑफ। अरे ना भाई, ये तो वाइन से भी गंदा कलर दे रहा है। गैस ध्यान रखना, साफ करते टाइम ना घिसना मत, अपना मुंह धीरे धीरे करना, क्योंकि इस टाइम पे स्किन काफी सेंसिटिव होगी। क्या इसके रिजल्ट हैं आप खुद देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बताया तो काफी सही, काफी बढ़िया लग रहा है अभी, थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। दारू नहीं उतरी बस हमारी। मुझे दारू की वजह से फ्रेश तो नहीं लग रहा। सो नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। टोनिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी वाइन और थोड़ा सा गुलाब जल। ओह माय, रोज वाटर और वाइन की खुशबू साथ मिक्स हुई, क्या क्रेजी आ रही है। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। अब इसको कॉटन पैड से अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, फिर उसको 5-7 मिनट तक, जब तक ड्राई हो जाए तब तक वेट करना। इससे होगा क्या, आपके जो लूज पोर्स वगैरह है ना वो सारे टाइट होके बंद हो जाएंगे। टाइम फॉर वन मोर वाइन फैक्ट। तो गाइस अगर आप किसी भी दारू की स्टैंडर्ड सर्विंग लेके चले हो, सपोज वाइन हो गई, बियर हो गई, या कोई भी अदर स्पिरिट हो गई, तो उसका ब्रेथलाइजर पे परसेंटेज सेम ही आएगा। तो दैट मींस डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।
प्लीज मेरे को पता लग रहा है कि साफ हो गई स्किन, जो मैं घर से आया था ना जैसे अब वैसी नहीं रही, काफी सही हो गई, आपको दिख ही रहा होगा। इसके घर वाले पहचान पाएंगे आज, पता तुम्हें? आई फील तुम जब भी करो ना, तुम 6 ग्लास मत पीना ब्रो, ठीक है? बिकॉज उसके बाद तुम्हें सब नम लगेगा। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, बट मजा आया, आई फील इट्स वर्थ इट। बट मेरे को तेरी स्किन में काफी डिफरेंस लग रहा है जो तू आया था। प्रॉब्लम पता है क्या? तू भी भंड है। तू सुंदर है भाई, कितना सुंदर लग रहा है। वो दो भंड लौंडे होते भाई, तू बेस्ट है भाई, तुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या तू कभी दोबारा ट्राई करना चाहेगा? विदाउट एल्कोहल आई वोंट, ऐसा बहुत मेहनत है यार। आई फील करना भी है तो कॉल प्रोफेशनल्स एंड गेट हेल्प फ्रॉम देम, बिकॉज खुद करना थोड़ा अनोइंग है। वो कर देंगे तो ठीक है, बट ये दोबारा जरूर करवाना चाहूंगा मैं वाइन फेशियल, बहुत इफेक्टिव लगा मुझे। मैंने पहले करवाए एक दो फेशियल। गाइज अगर आपको भी वीडियो देख के मजा आया, हमारा फेशियल देख के मजा आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक अ वीडियो, नीचे कॉमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड।